सरकार ने अनलॉक 5 में कई तरह की छूट दी हैं। इसके लिए अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स खोलने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी है। मल्टीप्लेक्स थिएटर सिनेमा को 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र SOP जारी करेगा। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसले लेने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। तो आज से अनलॉक 5 की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कई छूट मिलेगी। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खुलेंगे। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे। तो अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने SOP जारी किया। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए अब स्विमिंग पूल खुलेंगे। एंटरटेनमेंट पार्क खोलने को भी मंजूरी दी गई है। 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। तो स्कूल और कोचिंग के लिए 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकेगी राज्य सरकार, क्योंकि संक्रमण का स्तर इस समय अपने पीक पर है। ऐसे में स्कूलों को खोलना इस समय सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन सिनेमा हॉल को खोलने की मंजूरी दे दी गई है, क्योंकि लगातार मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन सिनेमा एसोसिएशन ये सरकार से अपील कर रहा था कि सिनेमा हॉल खोले जाएँ और व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की जाएगी। तो ये अभी तय हुआ है कि 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स थिएटर सिनेमा को खोला जाएगा। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसले